सुनील सर आपसे स्टार्ट करूंगा, इस संवत में अगर एक थीम आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आप इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि एक थीम पर फोकस कर सकते हैं, वो कौन सी होगी? नहीं, आई विल एग्री विद व्हाट आई सेड अर्लियर एंड विद व्हाट रामदेव हैज सेड, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट. अभी भी शेयर्स बहुत ही सस्ते हैं. द लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी विच इज लिस्टेड इन इंडिया इज नॉट इवन $5 बिलियन इन मार्केट कैप. अभी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 350 लाख करोड़, कितना होता है वो तो कैलकुलेट भी नहीं होता, बट यू नो लाइक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर. वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन US कैन बी $10 trillion. इट्स वेरी क्लियर दैट इन इंडिया एटलीस्ट वन विल रीच $1 trillion एंड देन दे विल बी एटलीस्ट 100 more. 40-45 म्यूचुअल फंड हैं. वेल्थ मैनेजमेंट भी कंसोलिडेशन हो रहा है. सो आई थिंक दैट इज वन सेक्टर विच इन ऑन पी बेसिस लुक्स एट 30-35 PE, बट आई थिंक गिवन वेयर द ग्रोथ इज एंड द मार्केट्स आर, आई थिंक दैट वन सेक्टर. तो जैसे ब्लैक रॉक है, वैसे हमारे यहाँ भी काफी ब्लैक रॉक हो सकते हैं. होंगे 100% होंगे, क्यों नहीं होंगे. सी इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी रीचिंग $20-30 trillion विच US इज टूडे, so then why will we not have one BlackRock in India and hundreds of Vanguards and so many other asset management companies? Why will Fidelity and Templeton and all? And Indian talent is phenomenal. हम तो देखते हैं इतना हम लोग मेहनत करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बट जनरली एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टर जो मेहनत करते हैं वह कौन करता है. ठीक बात है. मधु सर, अगर आप एक थीम बैक करेंगे इस समय अगले एक साल के लिए नहीं और 3-4 साल के लिए, तो कौन सी होगी? Honestly, अनुज, आई एम फाइंडिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन प्राइवेट कंपनीज. इस वक्त मेरा काफी टाइम वहाँ पे डिवोट कर रहा हूँ अनलिस्टेड में, क्योंकि वहाँ पे बाइलेटरल है. यू कैन नेगोशिएट द यू नो वैल्यूएशन विद द एंटरप्रेन्योर एंड देयर आर सम रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स वी आर सीइंग हु आर स्टिल विलिंग टू लीव इनफ ऑन द टेबल. एंड वो अभी वो यंग है और उनकी स्टोरी अभी यहाँ से भी बहुत बड़ी है. तो मेरा काफी टाइम मैं इस वक्त अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज स्पेसिफिकली इन द न्यू इमर्जिंग मार्केट थीम, लाइक वी इन्वेस्टेड 2 years back इन वारी जो अभी ये वीक में पब्लिक जाने वाला है. इट्स बीन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट, यू नो, मतलब मार्केट्स हैव नॉट गॉन इन दैट सेंस एनीवेयर. 10 गुना हो गया पिछले 2 साल. स्टॉक इज 10x, यू नो, लिस्टिंग का प्राइस देखोगे तो हो सकता है 15-20 गुना हो जाए. आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टूडे इन लिस्टेड कंपनीज. जहां में मुझे लग रहा है कि कोई लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके टाइम विल से राइट और रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. ओके रामदेव सर, आपके हिसाब से मार्केट इतना बड़ा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है इस समय? मतलब मैं तो ग्रोथ देखता हूँ कैपिटल मार्केट्स में, अक्रॉस द बोर्ड कैपिटल मार्केट्स में. जो मतलब जो भी गेटवेज हैं, चाहे वो ब्रोकिंग हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, सो पूरा हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन है मार्केट का. बिकॉज जो 40 मिलियन या 4 करोड़ जो अकाउंट्स थे, अभी 170, 175, 180 हो गए और लास्ट मंथ भी 4.5 मिलियन आया है. मतलब ये जर्नी जो है 300 मिलियन की अगले 3-4 साल में हो जाएगी लग रहा है. तो मार्केट का एक्सपांशन इज गारंटीड. ओके, सो उसके वो देखते हुए कैपिटल मार्केट्स के ऑल द एलिमेंट्स दे आर लुकिंग वेरी गुड एंड हमारे घर में हो रहा था ज्यादा समझ में आ रहा है. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.